नरेंद्र मोदी की चुनावी अभियान पर नजर डालेंगे जो कि उत्तराखंड के तहत रुद्रपुर यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली रैली की और फिर रोड शो भी किया। रैली में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले, 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। चौबीस लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन मोड में हैं। राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद आज अमित शाह कर्नाटक में चुनाव करने पहुंचे और साथ ही बेंगलुरु में अमित शाह पहले एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के नेताओं के साथ बैठक करते नजर आए और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां पर विपक्ष पर कड़ा हमला अमित शाह ने बोला। विपक्ष के गठबंधन परिवारवादियों का गठबंधन है, यह अमित शाह ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं, और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ये इंडी एलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका, मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगाए। और उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी रैली की प्रचार प्रसार करने वो पहुंचे थे, जिसके बाद इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को जिताने की अभी अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को खत्म किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है। एक ही परिवार के लोग चले हुए बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो, और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, लोगों को अपीज करके तुष्टीकरण करके राजनीति करते थे। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकास को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बढ़ाई है।